हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विदन क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। एग्जांपल 12.6 टू पेज नंबर 209 में दिया है एनसीईआरटी में। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल को हाईलाइट करना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। Having the length L by 2 and area of cross section 2A. तो यहाँ पे देखो, ये भी काफी important सवाल है। 12.6। अब यहाँ पे देखो, जो वायर 1 है, ठीक है, उसका लेंथ दे रखा है L1, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है A1, that is A. ओके, और उसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। दूसरा एक वायर दिया है यहाँ पे, उसका लेंथ L/2 है, ठीक है, इससे आधा है उसका लेंथ। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है वो डबल दिया है, ठीक है, इससे डबल है इसका एरिया। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, ये R1 हो जाएगा। तो R2 को हमें कैलकुलेट करना है। ये जो दोनों वायर है इसका मटेरियल सेम मटेरियल, ठीक है। सो देखो, ये जो वायर है वो कंसीडर कर लो, मान लो कि ऐसा कुछ है, इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो ये जो वायर है वो उसकी आधी लेंथ तक होगा सिर्फ, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो उससे आधा है, बट एरिया जो है वो डबल है। तो बट ऑब्वियस है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा टेम्परेचर, ठीक है। चार फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पे देखो, L मटेरियल इज सेम रेजिस्टिविटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखो, मटेरियल सेम रह रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो R इज डिपेंडेंट ऑन L अपॉन A, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इसको अच्छे से लिखो रेशियो के फॉर्म में, R2 बाय R1, ये हो जाएगा L2 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन A1। ये A2 नीचे आएगा, न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू न्यूमरेटर, ठीक है। सो R2 अपॉन R1 दैट विल बी इक्वल टू L2 इनटू A1 अपॉन L1 इनटू A2। अभी देखो, L2 कितना है, L/2 होगा, L/2। L1 कितना है, वो L है। A1 कितना है, that is capital A। और A2 कितना है, 2। So A से A cancel, L से L cancel। So R2 upon R1 कितना होगा, 1 upon 4। So R2 will be equal to R1 by 4। So R2 बन जाएगा 4 by 4, क्योंकि R1 का value दिया है 4। So R2 will be बढ़िया। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसा सवाल है, ठीक है, तो सेम मटेरियल है, दो वायर्स दी है, तो इस तरह से आप कोई भी सवाल है, ठीक है, इससे सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो।